डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एप्पल का डिजीज़ का। तो अपने नेक्स्ट जो क्रॉप है अपने सिलेबस के अंदर वो है एप्पल। अपने सबसे ज़्यादा देखो मोस्ट ग्रोविंग जो एरिया है एप्पल के लिए जो फेमस, तो वो होता है हिमाचल वाला। ठीक है, तो ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ दिखती है? हिमाचल वाले रीजन के अंदर। और इसके लिए हिमाचल के अंदर जो वेंचुरिया या फिर स्केब के लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोरकास्टिंग सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है कि वहाँ पे इस डिजीज़ के स्पेशली इस डिजीज़ के लिए वहाँ पे फोरकास्टिंग भी होती है टाइम टू टाइम। और इस डिजीज़ के अंदर देखो सीधा सा है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान के माना तो कि मार्केट वैल्यू जो होती है वो बहुत डाउन हो जाती है। सेब जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे धब्बे बन जाते हैं, दाग बोल देते हैं जिनको, तो दाग वाले जो सेब होते हैं वो मार्केट में इतने नहीं बिकते, तो इसलिए वो उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो इसके अलावा आपने जम्मू एंड कश्मीर का भी देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कश्मीर का जो एप्पल है तो वहाँ पे भी इसमें इस प्रकार की डिजीज होती है। तो वहाँ पे सबसे पहले इंडिया में तो सबसे पहले कश्मीर में रिपोर्ट किया गया था इसको स्केब के रूप में डिजीज़ को सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसको तो ये एप्पल की सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे मेन जो जिसको बोलेंगे तो मेन जो डिजीज़ मेजर डिजीज़ जो होती है वो स्केब होती है। ठीक है, स्केब का मतलब क्या होता है? देखो एप्पल का जो स्केब होता है, स्केब का मतलब क्या होता है? स्केब का मतलब होता है कि अगर कोई जैसे घाव हो जाता है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ में घाव हो जाता है तो उस घाव वाली जो स्ट्रक्चर होती है या फिर जो सूखी जो संरचना बन जाती है, सूखी और जो जिसको बोलेंगे अपने कॉर्क की जो स्ट्रक्चर बन जाती है, ड्राई जो स्ट्रक्चर बन जाती है, या फिर जो सनकेन स्ट्रक्चर जो होती है, सनकेन का मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ ऐसा भाग, कोई भी एपिडर्मल पार्ट होता है तो एपिडर्मल पार्ट के अंदर ऐसे धंसा हुआ भाग सूख जाता है और फिर वो कोर की जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उस प्रकार की संरचना को अपने क्या बोल देते हैं? स्केब बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस सिम्टम के आधार पे ये जो सिम्टम ये जो दिखाई देता है ये किस पे दिखाई देता है? इसके फ्रूट पे दिखाई देता है। किस पे दिखाई देगा? फ्रूट पे दिखाई देगा। तो इसलिए इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? स्केब डिजीज़। स्केब बहुत सी जो स्केब जो होता है, स्केब तो हो गया एक तरीके से सिम्टम, ये क्या होता है? एक सिम्टम होता है। इसीलिए इस डिजीज़ का जो सिम्टम होता है उसी से डिजीज़ का नाम हो गया। देखो स्केब, स्केब का मतलब अपने आप को डिफाइन करेगा तो क्या होगा, उस जो फ्रूट होगा उसके ऊपर क्या बनेगा? एक रूखी सूखी ऐसे क्रस्ट जिसको बोलेंगे अपने, क्रस्ट ऐसे ऐसे संरचना बनेगी और जो कि ऐसे अंदर की ओर धंसी हुई होगी और ड्राई बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होगी और वो जगह से जगह से टूट जाती है फिर बाद में, तो वो क्या होता है? स्केब कहलाता है। इसका सिम्टम किस पे दिखाई देगा? फ्रूट पे भी दिखाई देता है और दूसरा लीव्स पे दिखाई देता है। तो ये मेन दो पार्ट होते हैं, इनके ऊपर इसका सिम्टम दिखाई देता है। अब इसके अंदर देखो क्या चीज़ होगी स्केब के अंदर, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्केब का कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वेंचुरिया। इनेक्वेलिस वेंचुरिया जो फंगस होती है, ये फंगस है, फंगस की वजह से होती है ये डिजीज। और मेन चीज ये है कि इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछेंगे एप्पल स्केब डिजीज का, तो ये वेंचुरिया इनेक्वेलिस एस्कोमाइसीट्स फंगस जो होती है उसके अंदर आती है क्लास के अंदर। इनेक्वेलिस का मतलब हो गया कि जब बात करते हैं अपने इक्विलिटी की, ठीक है, तो इक्विलिटी मतलब बराबर, तो इसका जो स्पोर होता है वो स्पोर कैसे होता है इसका? जैसे इसका जो स्पोर होता है वो बाईसेल्ड होता है। बाईसेल्ड में क्या होता है कि दोनों जो सेल जो होती है, दोनों जो सेल होती है वो एक जितनी लेंथ में नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो इसलिए क्या बोलते हैं? तो इसको इनइक्वलिस मतलब इक्वल नहीं होती, दोनों बराबर नहीं होती। और ये जो अपना फुट स्टेप होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो इसलिए इसको इनइक्वलिस बोलते हैं। ठीक है, तो वेंचुरिया इनइक्वलिस इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर क्या बनते हैं? देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ बनेगी इसके?
स्ट्रक्चर में जो चीज़ बनती है वो बनती है इसके अंदर, एक तो बनता है इसमें कोनिडिया, फंगस क्या बनाती है, कोनिडिया बनाती है एसेक्सुअल स्पोर के रूप में, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर के रूप में, यानी कि उसका जो बीजाणु बनता है एसेक्सुअल अलैंगिक बीजाणु बनता है इसके अंदर कोनिडिया, वो जो भी बताया उस प्रकार का, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर बनता है और इसके अंदर पेरिथीसिया, ठीक है, एस्कोस्पोर और पेरिथीसिया, पेरिथीसिया के अंदर क्या बनेगा एस्कस, पेरिथीसिया में बनेगा एस्कस, एस्कस में बनेगा एस्कोस्पोर, तो ये इसकी क्या होती है स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या होता है कि इतना ठंडा वहाँ पे क्लाइमेट होता है हिमाचल और जम्मू कश्मीर का, उस टाइम में भी क्या होती है ये स्ट्रक्चर क्या करती है, जो विंटर सीजन समर सीजन होता है तो उस टाइम में ये क्या करेगा, सोइल के अंदर सर्वाइव करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट को सहन करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पेरिथीसिया, जो लंबे टाइम तक सोइल के अंदर बनी रहती है। फिर ये जर्मिनेट होकर एस्कोस्पोर बना देती है, एस्कोस्पोर कहाँ चला जाता है फिर पौधे पे, पौधे पे जाने के बाद में वहाँ पे जर्मिनेशन हुआ, लीफ पे, लीफ से आ जाता है वो फ्रूट, फ्लोवर पे, फ्लोवर के या फिर फ्रूट पे आने के बाद में और दूसरे भागों पे आने के बाद में वहाँ पे जब तक क्लाइमेट या कंडीशन फेवरेबल रहती है तब तक वो रिप्रोड्यूस होता रहता है एसेक्सुअली, और उसमें बनेंगे फिर कोनिडिया, और कोनिडिया क्या करते हैं फिर एक प्लांट से और पौधे के एक भाग से दूसरे भाग पे चले जाते हैं, उसी प्रकार से इन्फेक्शन का स्प्रेडिंग होता रहता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखो, डिजीज़ वेंचुरिया इनेक्वेलिस कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया, सबसे पहले इसको स्वीडन में 1819 में रिपोर्ट किया गया था, और इंडिया के अंदर अपने अंबरी वेराइटी के अंदर कश्मीर के अंदर इसको खोजा गया था, ठीक है। सिम्टम्स में क्या होता है, सिंपल सा जैसे मैंने बताया कि लीफ के ऊपर कैसे बनेंगे, लीफ के ऊपर अपर सरफेस होगी, अपर सरफेस पे तो बनेगा इसके ऊपर ब्लैक रंग के स्पॉट बनेंगी, और लोअर जो सरफेस होती है उसके ऊपर फंगस की या फिर एक स्ट्रक्चर बन जाती है, ग्रोथ दिखाई देने लग जाती है, और पत्तियाँ जो होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, ट्विस्टेड हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी उस ग्रोथ की वजह से, ठीक है। तो पहला जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, लीफ और फ्रूट पे दिखाई देंगे। अब इसमें क्या होगा, पत्तियां जो होगी वो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब मुड़ जाती है, पत्तियां क्या होगी मुड़ेगी, और जिसको बोलते हैं पकरिंग, पकड़ हो जाएगी, पकड़ का मतलब ऐसी जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर पकरिंग का मतलब होता है कि जैसे लीफ के अंदर जो ऐसे उभार उत्पन्न हो जाते हैं, लीफ के अंदर क्या होंगे उभार से ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं पकरिंग, मतलब कहीं तो इससे गड्ढे से बनते हैं, कहीं उसकी सेल में ओवरग्रोथ होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, तो ऐसे फुली हुई जैसी लीफ दिखती है तो उसको ट्विस्टेड और उसमें पकरिंग हो जाती है, और उसके अंदर क्या बनेगा ब्लैक सर्कुलर स्पॉट, ब्लैक सर्कुलर स्पॉट बनेगा लीफ की अपर सरफेस पे, मतलब पत्ती की ऊपरी सतह पे क्या बनेंगे काले रंग के धब्बे बनेंगे, और पत्तियां जो होगी वो क्या होगी मुड़ जाएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगी पकरिंग हो जाएगी, पकरिंग होने का मतलब पत्तियां मुड़ती है तो उस टाइम में उसमें क्या होगा स्ट्रक्चर जो होगी वो विकृत हो जाती है, पकरिंग जो होता है वैसे सिम्टम जो होता है वायरल डिजीज के अंदर दिखता है सबसे अच्छा, पकरिंग का जो सिम्टम होता है वो उसकी एपिडर्मल जो पार्ट होता है लीफ का, तब त्वचीय भाग होता है उसके अंदर सेल्स की इनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है कहीं उभार पैदा हो जाता है, जैसे क्रिंकलिंग और जैसे सिम्टम होते हैं तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है पकरिंग हो जाती है, ठीक है, और पत्तियां क्या हो जाती है मुड़ जाती है। अब देखो लोअर सरफेस पे क्या होगा, लोअर सरफेस पे क्या होगा वेलवेटी एंड स्पोर्ट्स जो होंगे लोअर सरफेस पे जो स्पोर्ट धब्बा बनेगा वो क्या होगा वेलवेटी बनेगा, मतलब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट जो बिल्कुल ऐसे उभार लिए हुए या फिर उसको सॉफ्ट स्ट्रक्चर बोलेंगे, तो वो क्या होगा जो स्पॉट बनेगा वो क्या होगा थोड़ा मुलायम जैसा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, और वो क्या होगा पूरा का पूरा कवर कर लेगा पूरी लीफ की सरफेस को, नीचे का जो धब्बा होता है पूरी पत्ती को कवर कर लेता हो, कलर भी सेम उसी प्रकार से दिखाई देगा ब्लैक कलर में बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा सीवियर इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा पत्तियां होगी वो येलोविंग होगी और फिर वो ड्रॉप ऑफ हो जाएगी, पत्तियां झड़ जाती है। अब उसके बाद में क्या होगा इसमें देखो फ्रूट पे जो सिम्टम दिखाई देगा
फ्रूट पे तो इस प्रकार का सिम्टम होता है, तो ये तो मार्केट में देखा ही होगा तुम लोगों ने, सबको ही पता है कि स्केब डिजीज, तो पहचान ही लेते हो कि जब उस सीजन होता है तो उसके अंदर ऐसे क्रस्ट या फिर ऐसे पपड़ी जैसी ऐसे उभार आ जाते हैं, ऐसे क्रस्ट बन जाती है इसके ऊपर, तो ऐसे पपड़ियाँ बन जाती है, तो उसको बोलते हैं अपने स्केब। अब उसके बाद में जैसे अब इसके अंदर क्या होगा, फ्रूट के अंदर जो सिम्टम होगा वो उस पर क्या होगा, फ्रूट के ऊपर स्पॉट डेवलप होंगे या उसके ऊपर लीजन्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, सूटी ग्रे ब्लैक, सूटी ग्रे ब्लैक सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देगा उसमें क्या होगा, काले रंग के फ्रूट के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे ऐसे स्पॉट डेवलप होंगे। उसके बाद में क्या होगा, लीजन्स जो होंगे वो सनकेन, सनकेन का मतलब होगा जैसे फ्रूट जो होता है उसकी जो अपर सरफेस होती है उसके अंदर जैसे गड्ढा बन जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, गड्ढे के अंदर जैसे घुसा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं सनकेन टाइप के लीजन्स। और उसके बाद में क्या होगा, इसके चारों ओर मार्जिन डेवलप हो जाएगी, जो स्पॉट बनेगा उसके चारों तरफ ऐसे मार्जिन डेवलप हो जाती है, और फिर यहाँ से फंगस के स्पोर डेवलप होने लग जाते हैं, यहाँ से फंगस के स्पोर डेवलप होने लग जाएंगे, उस वजह से उसका क्या आ जाएगा, कलर का वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे फिर क्या होगा, जो फ्रूट होगा उसके ऊपर क्रैकिंग होने लग जाएगी, ठीक है। उस जो स्पॉट बनेगा वो स्पॉट क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे सूखेगा, सूखने की वजह से उसमें क्रैकिंग हो जाएगी, क्रैकिंग होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर दूसरे जो अपने फंगस होती है उनका अटैक बढ़ जाता है, दूसरे फंगस में क्या होगा, इसके अंदर जैसे मोल्ड वगैरह बढ़ जाती है, सूटी मोल्ड वगैरह होती है, तो दूसरी जैसे म्यूकोराइजोपस जैसी फंगस भी इस पर क्या हो जाती है, ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। तो ये इसका दूसरे अटैक होने की वजह से वो रोटन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो खाने योग्य भी नहीं रहेगा। अगर इसमें अटैक नहीं होता तो ये फिर भी ये भाग बाकी जो पार्ट होता है वो हेल्दी रहता है, लेकिन जिस भाग पे ये आ जाता है तो उसको क्या होता है, मार्केट वैल्यू डाउन कर देता है, तो इस वजह से इसकी ये सीधा इकोनॉमिकल नुकसान में क्या होगा, मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू नहीं रहती। सीवियरली अफेक्टेड जो फ्रूट होंगे वो क्या होंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, मतलब वो जड़ जाएंगे, तो ये इसके सिम्टम हो जाएंगे। मोड ऑफ स्प्रेड बता ही दिया कि क्या होता है इसमें, मोड ऑफ स्प्रेड में कोनिडिया की बात कर रहे थे अपने, कोनिडिया जो होता है वो क्या होता है, एयरबोर्न डिजीज साइकिल में क्या होगा, प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण क्या होता है, जो फालन लीव्स जो होती है, ठीक है, फालन पार्ट्स, फालन प्लांट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा, या फिर जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं उनके अंदर फंगस होती है, फंगस क्या बनाता है उसमें, पेरिथीशिया बनता है, पेरिथीशिया फिर क्या करेगा, सर्वाइव करता रहेगा और जर्मिनेट होके क्या बना देगा, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर सबसे पहले अटैक करेगा, तो इसका डिजीज साइकिल में भी मोड ऑफ स्प्रेड में क्या दे रखा है, इसमें एस्कोस्पोर होगा, ठीक है, हवा से फैलने वाले होते हैं दोनों, एस्कोस्पोर भी हवा से फैलेगा, दूसरा इसमें सेकेंडरी इनोकुलम जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एयरबोन कोनिडिया से फैलता है, ठीक है। अब इसका डिजीज साइकिल होगा, तो इसमें डिजीज साइकिल अगर बनाना हो तो डिजीज साइकिल में सबसे पहले क्या करेंगे अपने, फालन लीव्स, अब इसके अंदर फालन जो लीव्स या फिर इसमें इन्फेक्टेड पार्ट्स, ठीक है, सोइल के अंदर होगा और इसमें क्या बनेगा, पेरिथीशिया, पेरिथीशियल जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कस, एस्कस में बनेंगे एस्कोस्पोर, तो ये क्या होगा, जर्मिनेशन, और इसमें से क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर एयरबोर्न हवा से जाएंगे ऑन लीव सरफेस एंड जर्मिनेट, जर्मिनेशन होने के बाद में क्या करेगा वो, जैसे लीव के अंदर फैलेगा तो वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से माइसीलियल ग्रोथ, प्रोड्यूस कोनिडिया, तो फंगस में कोनिडिया डेवलप होगा,
ठीक है, कोनिडिया क्या करेगा, एयर ट्रांसमिट होगा, एयर से ट्रांसमिट होगा, न्यू लीफ नए लीफ पे आएगा, और नए लीफ पे आने के बाद में सरफेस पे जर्मिनेशन होगा, और फिर उसके बाद में ये इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये आ जाता है इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर सेकेंडरी साइकिल। अब माइसीलियल ग्रोथ होती है, उसके बाद में फंगस में क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट पार्ट्स जो होंगे, प्लांट पार्ट्स ड्राई एंड फॉलन, तो उसमें क्या बनने लग जाएगा वापिस से पेरिथीसिया, तो ये इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद में मैनेजमेंट में देखो क्या आएगा, इसमें मैनेजमेंट में क्लीन कल्टीवेशन सीधा सा है कि जो भी फलन पार्ट होता है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, जो फलन पार्ट जो होते हैं उनको हटा देना चाहिए, ठीक है, जितने भी जो ट्री के पेड़ के चारों तरफ जितने भी अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं सीजन के बाद में उसको पूरा वहाँ से क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंट वेराइटी ले सकते हैं अपने, या कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी दे रखा है जैसे एमिरा, रेड फ्री, ठीक है, एम्बेस्ट्रेकिंग, एम्ब्रोयल, अम्ब्रिज, अम्ब्रेड, ये इनके नाम है, तो एक दो इनमें याद कर लेना कोई इम्पोर्टेंट है। तो ये रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो कर सकते हैं। स्प्रे करते हैं अपने किसका, कैप्टान का और डोडाइन का, तो ये इनका याद रख लेना इम्पोर्टेंट है, इनका स्पेशल कोई ट्रीटमेंट है इसलिए, क्योंकि ये डिजीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल वाले क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर इसका कंट्रोल भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों में और चीज़ें भी क्या ऐड कर सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग का, या फिर सीजन के टाइम में वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो फोरकास्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल मेजर अपने अप्लाई कर लेने चाहिए, तो वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंगल एप्लीकेशन ऑफ डाइफोलेटन 0.3% का और ग्रीन बड स्टेज पे इसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में कैप्टान का, मतलब कैप्टान इसके लिए बेस्ट कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वैसे अब इनकी क्या करते हैं, वैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग तो होती रहती है, वो चीज़ें क्या होती है इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को, तो टाइम टू टाइम उसको रिमूव कर देना चाहिए, और फिर जो अपना ऑर्चर्ड जो होता है उसके चारों तरफ या फिर उस पर जहाँ भी इसके इन्फेक्शन जहाँ पर होता है उस जगह से जो रिमूव कर, जो इफेक्टेड पार्ट होते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, और जो ज़मीन पर भी होते हैं उनको भी हटा के जला देना चाहिए, ठीक है। तो फंगस का एक करेक्टर ऐसा भी है कि हिमाचल के अंदर इतनी, मतलब टेम्परेचर डाउन जाने के बाद में जैसे एप्पल के जो पार्ट जो इन्फेक्शन था जिनमें, वो अगर पार्ट ज़मीन पे गिर जाते हैं और उसके बाद में इतनी बर्फ़ की लेयर जमी रहती है उसके ऊपर, जो क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ तो गिरती है, तो बर्फ़ गिरने के बाद में इतनी मतलब एक एक दो दो किलोमीटर तक अगर लेयर बन जाती है उनके ऊपर बर्फ़ की, और उसके बाद में बर्फ़ की जब लेयर हटती है तो भी देखो उसमें फंगस जो होती है वो जर्मिनेट होकर नया इन्फेक्शन कर देती है, तो मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है पेरिथीसिया, तो वो कितना एडवर्स इफेक्ट को सहन कर सकती है, तो ये इसका मेन, इसका देखो स्पेसिफिक करेक्टर हो जाता है इसमें। अब इसके बाद में एक डिजीज़ है अपने बेर की, बेर के अंदर एक सिंपल सा कुछ नहीं है ज़्यादा, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है, और पाउडरी मिल्ड्यू तो सबसे आसान है, सबको इतनी बार सिम्टम बता दिए कि इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पाउडरी मिल्ड्यू के तो कहीं भी सिम्टम हो तो आंख बंद करके भी तुम लोग लिख सकते हो। तो पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी ग्रोथ होगी किस पे होगी, फ्रूट पे होगी और उसकी लीफ पे होगी, एरियल पार्ट पे तो होती है, मेनली दिखता है लीफ और फ्रूट पे। तो बेर होता है जीजीफस मोरिशियाना, तो अब इसके अंदर क्या होगा, बेर के अंदर जो पाउडरी मिल्ड्यू भरती है वो फंगस होती है ओइडियम, ठीक है, ये फंगस कौन सी होती है, ओइडियम एरिसाइफोइडिस, और फॉर्मा स्पेशल्स होता है इसका जीजीफी, फॉर्मा स्पेशल्स होता है इसका जीजीफी। एरिसाइफोइडिस मतलब एरिसाइफी जो होता है वो इसकी परफेक्ट स्टेज होती है, तो एरिसाइफोइडिस टाइप का कोनिडिया होता है, और ओइडियम का पहले भी अपने बात की थी, ओइडियोप्सिस और ओइडियम की पिछली क्लास में, तो उसमें भी इसके बारे में बताया था कि इसका करेक्टर कैसा होता है, इसके कोनिडिया कैसे बनते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई है, सिंपल सा है, इन्फेक्शन भी किससे होता है, कोनिडिया से होता है सीधा, ठीक है, कोनिडिया से प्राइमरी इन्फेक्शन और कोनिडिया से ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इसमें। सिम्टम में क्या होंगे इसके अंदर, सिम्टम में किस पे दिखाई देगा, लीफ पे क्या होगा इसके अंदर,
वाइट पाउडरी पैचेस अपीयर ऑन लिप सरफेस लेटर ऑन टर्न ब्राउन टू ब्लैक एंड कवर एंटायर लीफ सरफेस। ठीक है, पूरी पत्ती को कवर कर लेगा। मैंने पूरे सिम्टम एक साथ मिला के कॉमन सिम्टम लिख दिया, तो ये सीधा सा होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू है तो पैचेस बनेगा, लेटर स्टेज में पूरा का पूरा कवर कर देता है, तो इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगी और ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, लीफ बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ। लीफ जो होगी वो क्या होगी, ड्राई, सूख के झड़ जाएगी। अब फ्रूट पे जो होगा, ऑन फ्रूट वाइट पैचेज अपीयर एंड फ्रूट बिकम्स ड्राई एंड फॉल ऑफ प्री मैच्योरली। मैच्योर होने से पहले फ्रूट जो होगा पूरा का पूरा ड्राई होके जमीन पे गिर जाएगा। तो ये इसका सीधा सा सिम्टम है पाउडर मिल्ड्यू के अंदर, और कुछ ही नहीं है इसके अंदर। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम याद रखना है अपने को बेर के अंदर। मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेज, मैनेजमेंट में वही चीज़ होगी, इसके अंदर डाइनो कैप आ जाएगा। मैनेजमेंट में क्या आता है, वेटेबल सल्फर, डाइनो कैप। ठीक है, तो ये दोनों इनका फोलियर स्प्रे करते हैं अपने। ठीक है, तो इनका फोलियर स्प्रे यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, 0.3% का और 0.25% का। तो डाइनो कैप और वेटेबल सल्फर, तो ये दोनों फंजीसाइड इसमें बेनिफिशियल है। और बाकी पाउडर मिल्ड्यू के अंदर कंट्रोल में कुछ ही नहीं कर सकते। पाउडर मिल्ड्यू का क्या है, उसमें एक बार उसमें ग्रोथ हो गई तो वो पूरी की पूरी उसको कवर कर जाएगी, तो उसको कंट्रोल करना भी बाद में मुश्किल होता है। तो इनिशियल स्टेज के अंदर इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, पाउडर मिल्ड्यू के दो ही सिम्टम इसमें फ्रूट पे और लीफ पे दिखाई देगा। सिम्टम इसके याद करने हैं, और इसका मेन इसका जो है वो कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है अपने को, ओइडियम एरिसाइफोइडिस, और पूरा का पूरा फॉर्मा स्पेशियल्स भी इसका याद रखना है। ये तुम्हारे ब्लैंक्स के अंदर पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा डिटेल में इसको लिखना है, इसका फॉर्मा स्पेशियल्स भी लिखना है। तो ये हो गया पाउडर मिल्ड्यू इसका बेर का, तो ये कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने क्लास में डिस्कस करेंगे अपने पोटैटो के डिजीज़ का। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।